हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई सोने चांदी की चूड़ियों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। प्रिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ एक गांव की छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। प्रिया के पिता पहले फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में प्रिया के पिता को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। प्रिया का घर उसके माँ के कमाए हुए पैसों से ही चलता था। प्रिया की माँ गांव में अमीर लोगों के घर में जाकर वहाँ पर बर्तन धोया करती थी। एक दिन प्रिया के पिता ने उसकी माँ से कहा, सरस्वती, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर की हालत कैसी है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। हाँ जी, कहिए आपने क्या सोचा है। मैं सोच रहा हूँ शहर में जो तुम्हारा एक भाई अर्जुन रहता है, कुछ दिनों के लिए प्रिया को उनके पास छोड़ाओ। घर में एक व्यक्ति का खर्चा कम होगा तो हम कुछ पैसे बचा पाएंगे। आगे चलकर प्रिया की शादी भी तो करनी है ना। लेकिन क्या प्रिया इस बात के लिए मानेगी। तुम उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। और वैसे भी तुम्हारा भाई प्रिया और तुम्हें बहुत प्यार करता है, देखना प्रिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। अपने माता पिता की ये बातें प्रिया कमरे से बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। उसको इन बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वो कमजोर नहीं पड़ती और सोचती है, सही ही तो कह रहे हैं पिताजी, अगर मैं मामा के यहाँ चली गई तो माँ को घर चलाने में आसानी होगी, मुझे चले जाना चाहिए। तभी प्रिया की माँ वहाँ पर आती है और प्रिया से पूछती है, बेटा क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ रह सकती हो, तुम्हें इसी बहाने शहर घूमने का मौका भी मिल जाएगा। प्रिया अपनी माँ को हाँ कर देती है। अगले ही दिन प्रिया और उसकी माँ शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन का सफर पूरा करके प्रिया अपने मामा के घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद प्रिया के मामा बोलते हैं, अरे वाह दीदी, तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आइए ना बैठिए। वो दरअसल क्या है ना, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या हुआ दीदी, सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं हो। तुम तो जानते ही हो, जब से तुम्हारे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए प्रिया को अपने पास रख सकते हो। कुछ दिनों में जब हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही प्रिया को यहाँ से ले जाऊंगी। अरे दीदी, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आप जब तक चाहें प्रिया यहाँ पर रह सकती है। आपने भी तो मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ना, मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिया की माँ सरस्वती अपनी बेटी को अपने भाई के पास छोड़कर घर वापस चली जाती है। जब घर में सरस्वती आई थी तब प्रिया की मामी और उनकी बेटी किसी काम से बाहर गई थी। थोड़ी ही देर में वो घर में वापस आते हैं। दोनों ही माँ बेटी प्रिया को घर में देखकर बहुत गुस्सा होती हैं। तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा और इस लड़की को मेरे सर पर बैठा दिया। यस डैडी, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी हालत देखिए आपने, इसको तो कपड़े पहनने का भी कोई ढंग नहीं है। अगर मेरी फ्रेंड्स को ये पता चलेगा कि ये मेरी बहन है तो मेरी तो बेइज्जती ही हो जाएगी। प्रिया के मामा उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बेटी हमें किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी के पैसों को देखकर उससे जज नहीं करना चाहिए। ये मेरी उस बहन की बेटी है जिस बहन ने मुझे इस लायक बनाया है,
मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए प्रिया यहीं पर रहेगी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। प्रिया की मामी और उनकी बेटी सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और दोनों मिलकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया की मामी और उनकी बेटी दोनों ही किसी काम से घर से बाहर गई थी और प्रिया घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसे अपनी बहन स्वीटी के कमरे में एक जोड़ी चूड़ियाँ मिली। प्रिया चूड़ियाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने उन चूड़ियों को फटाफट से पहन लिया। अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियाँ हैं! काश मेरे पास भी इतनी सुंदर चूड़ियाँ होती। इतने में स्वीटी और उसकी माँ आ जाती हैं और प्रिया को चूड़ियाँ पहने हुए देख लेती हैं। मॉम, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि प्रिया चोरी करती है, देखा आपने? प्रिया की मामी को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया को थप्पड़ मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। प्रिया रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है और एक तालाब के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो बुढ़िया प्रिया से कहती है, बेटी क्या तुम मुझे तालाब पार करवा दोगी? ठीक है दादी माँ। प्रिया उस बूढ़ी औरत को तालाब पार करवा देती है। फिर वो बूढ़ी औरत प्रिया से पूछती है, बेटी तुम रो क्यों रही थी? कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। तुम मुझे बताओ, क्या पता मेरे पास उसका समाधान हो। प्रिया उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है। बेटा तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे सारे दुख खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत प्रिया को एक जोड़ी जादुई सोने की चूड़ियाँ देती है और बोलती है, बेटी तुम इन जादुई सोने की चूड़ियों को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इन जादुई सोने की चूड़ियों को पहनने के बाद तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसको हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुम इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करोगी तो इन जादुई सोने की चूड़ियों की शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दादी माँ, आपका ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। बेटी तुम्हारी बहन ने तुम पर गलत इल्जाम लगाया है, कहीं ना कहीं तुम्हारे दुख का कारण वही है, इसलिए उसको इस बात की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत प्रिया को एक और जादुई चांदी की चूड़ी देती है और बोलती है, तुम ये दूसरी चांदी की चूड़ियाँ भी रख लो और इसको अपनी बहन स्वीटी को दे देना, फिर देखना वो कभी किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगा पाएगी। उसके बाद प्रिया उन चूड़ियों को लेकर अपने मामा के घर वापस चली जाती है। उसे वहाँ पर देखकर प्रिया की मामी बोलती है, तुझे तो मैंने यहाँ से भगा दिया था ना, फिर तू यहाँ दोबारा क्यों आई है? मुझे माफ कर दीजिए मामी जी, मुझसे गलती हो गई। देखिए मैं स्वीटी के लिए चांदी की चूड़ियाँ लाई हूँ। प्रिया अपनी बहन स्वीटी को वो चांदी की चूड़ियाँ पकड़ा देती है। स्वीटी चांदी की चूड़ियाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है, चल ठीक है, हमने तुझे माफ किया, अब तो यहाँ पर रह सकती है। नहीं नहीं, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं अपने गांव वापस जा रही हूँ। इतना कहकर प्रिया अपने गांव वापस चली जाती है। घर जाकर वो अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। प्रिया जादुई चूड़ियाँ पहनकर अपने पापा के पैर ठीक होने की इच्छा प्रकट करती है। तभी उसके पापा का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। मम्मी, मैं इन जादुई चूड़ियों की मदद से अपनी एक चूड़ियों की दुकान खोलूंगी। प्रिया उन जादुई सोने की चूड़ियों से बहुत सारी चूड़ियाँ मांगती है
और उन चूड़ियों को बाजार में बेच देती है। चूड़ियाँ बहुत सुंदर और कीमती होती हैं, इसलिए प्रिया को उसका बहुत मुनाफा होता है। इस तरह कुछ ही दिनों में प्रिया बहुत अमीर हो जाती है और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। और उधर स्वीटी वो चूड़ियाँ पहनकर गूंगी हो जाती है जो उसे प्रिया ने दी थी। अब वो किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती थी, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी पर गलत इल्जाम या झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, मुंबई शहर में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम अपने शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। सोनम बचपन से ही बहुत गरीब थी और वो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके सर पर बहुत कम बाल थे। कुछ महीनों पहले सोनम ने गलत तेल लगा लिया था, जिसकी वजह से सोनम के बाल बहुत झड़ने लगे थे और वो धीरे धीरे गंजी होने लगी। सोनम को ब्यूटी पार्लर में बहुत कम पैसे मिला करते थे। सोनम अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। सोनम की मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन वो सोनम के ऊपर जरा भी रहम नहीं खाती थी और वो सोनम से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाया करती थी। एक दिन सोनम अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको उसकी एक दोस्त प्रियंका मिलती है। अरे सोनम, तुम तो कितने टाइम बाद मुझे मिल रही हो, तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो तुम वहाँ पर आ सकती हो, मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है सोनम, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सोनम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल मेरे घर पर आज एक पार्टी है और मैंने आज अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है, तो तुम भी जरूर आना, ठीक है? ओके बाय। सोनम की दोस्त प्रियंका उसको अपने घर का पता देकर अपने रास्ते की ओर चली जाती है। शाम होते ही सोनम अपनी दोस्त के यहाँ पार्टी में चली जाती है। क्योंकि सोनम बहुत गरीब थी, इसलिए उसके पास पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े नहीं थे। वहाँ पर पार्टी में सभी लड़कियों ने सुंदर सुंदर चमकीली और खूबसूरत कपड़े पहन रखे थे। सोनम को इस तरह से पार्टी में देखकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई भिखारन खाना मांगने के लिए आ गई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आई, इसे इसी समय घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, मैं प्रियंका की दोस्त हूँ, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी वो लड़की बोलती है, प्रियंका अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आती है तो इसे कुछ पैसे दे देती। इस तरह से हम रईसों के बीच तूने इस भिखारन को बुलाकर हमारी बेइज्जती की है। अब हम एक पल भी नहीं रुकने वाले, अब हम सब इस पार्टी से जा रहे हैं, समझी? अपनी बेइज्जती होता देख सोनम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उनके जाने से पहले खुद ही वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सोनम अपनी मालकिन से कहती है, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और पार्लर में मुझे इस तरह देखकर कस्टमर भी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। मैडम, क्या आप अपनी किसी क्रीम से मेरे बालों को ठीक कर सकती हो? मैं धीरे धीरे करके आपके सभी पैसे चुका दूंगी। अरे ये तो क्या कह रही है, तुझे मालूम भी है हेयर एक्सटेंशन में कितना पैसा लगता है? तुझे बालों की क्या जरूरत है, चल जा और जाकर अपना काम कर। इतना बोलकर
सोनम की माँ भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ धीरे धीरे सोनम के सर पर से बाल गिर रहे थे और एक दिन उसके सभी बाल झड़ जाते हैं और सोनम के पास अपने बालों के इलाज करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। अरे नहीं, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती और अगर मैं घर पर ही बैठी रही तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी। फिर सोनम अपने सर को ढककर ब्यूटी पार्लर जाती है। सोनम जब रास्ते से जा रही होती है कि तभी बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगती हैं और उस पर खूब हंसती हैं। सोनम को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो अपने विचारों में खो जाती है और पत्थर से ठोकर लगकर वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। सोनम के पैरों में से खून निकल रहा होता है लेकिन फिर भी सोनम की कोई भी मदद नहीं करता। सोनम वहीं बैठकर रोने लगती है। वहीं ऊपर बादलों में सौम्या परी घूम रही होती हैं। उसकी नजर सोनम पर पड़ती है और उसे सोनम पर बहुत दया आती है। सौम्या परी सोनम को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपनी जादुई छड़ी की मदद से उसकी चोट सही कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, जो आपने मेरी मदद की। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुँची तो मेरी मालकिन मुझे काम पर से निकाल देंगी। रुको सोनम, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर सौम्या परी सोनम को अपने साथ परीलोक ले जाती हैं। परीलोक में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर लंबे और घने बाल लगे हुए थे। इस पेड़ के बाल किसी के भी ऊपर आराम से सेट हो जाते हैं और वो एकदम असली हो जाते हैं। तुम इस पेड़ से बाल तोड़ सकती हो और इसे अपने सर पर लगा सकती हो। इसके बाद ये तुम्हारे सर पर सेट हो जाएंगे और बिल्कुल असली लगने लगेंगे। उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाया करेगा और फिर सभी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इन बालों को लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी। और हाँ, ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई पेड़ के बाल हैं। इन बालों से तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। सोनम सौम्या परी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जादुई पेड़ से बाल ले लेती है। सोनम जैसे ही वो बाल अपने सर पर लगाती है, सोनम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देख सोनम बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद देती है। इसके बाद सोनम अपने घर वापस आ जाती है और वो जादुई बालों की वजह से वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। धीरे धीरे सोनम का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। इस तरह सोनम बहुत ही जल्द अमीर हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। अब सोनम के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन ये बात सोनम की मालकिन को पता चलती है। अरे, ये सोनम की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकती है? आखिर पहले से ज्यादा ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? और इसके सर पर अचानक इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए? मुझे पता लगाना चाहिए, आखिर इसके पीछे राज क्या है? फिर एक दिन सोनम की मालकिन सब कुछ पता लगाने के लिए सोनम के घर के बाहर जाती है। वो चुप करके सोनम के घर में ताका झांकी करने लगती है। तभी सोनम की मालकिन को जादुई बालों के बारे में पता चल जाता है और वो सोनम के सुंदर बालों को चुराने की सोचती है। अच्छा, तो ये राज है। मुझे ये बाल किसी भी तरह अपने पास रखने होंगे। उसके बाद मैं भी इस सोनम की तरह बहुत अमीर हो जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके उस जादुई बाल को चुराना ही होगा। उसके बाद सोनम की मालकिन
रात होने का इंतजार करती हैं और रात होते ही वो सोनम के कमरे में चोरी चुपके पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो सोनम के बालों को उठाने की कोशिश करती हैं, तभी वो बाल अपनी जादुई शक्तियों से उसकी खूब पिटाई करने लगता है। अरे अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, ये बाल तो मेरी जान ही ले लेगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तेरी जान ही ले लूँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर सोनम की मालकिन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं। इस तरह सोनम की मालकिन को उसके किए पर पछतावा होता है और फिर उस दिन से वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करती। और यहाँ दूसरी तरफ सोनम अपने उन जादुई बालों के साथ अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारने लगती है।